हरीश कुमार वर्मा, डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी से। मैं दिव्यांग शिक्षा मित्र साथी हूँ और मैं सबसे समस्या मेरी है, मेरी 45 साल की उम्र हो चुकी है, मेरे बीवी बच्चे भी हैं और सबसे बड़ी मेरे पास समस्या है मेरे भाई बहनों की समस्या, मेरे साथ मैं तो विकलांग भी हूँ। आज 17 साल जो शिक्षा विभाग में लगा था, हर एक काम, चाहे बिलों का हो, चाहे जनगणना हो, या जो भी काम किया सब तन मन से किया, अपने पास भी पैसा लगा के, जब 3500 पता था तो मुझको बिलों में 27 रुपये दिए जाते थे, फिर भी मैं सारा पैसा लगा करके एक एक काम हर चीज किया। और आज सबसे बड़ी दुख की बात है, आप कहते हैं टेट पास करो, मैं 45-46 साल की उम्र है, मेरी बेटी बैठ करके वो टेट परीक्षा दे, मैं दूँ। मैं 1988 में इंटर पास किया था, तब मेरे ज़माने में 60% रेट था, और आज क्या है, मैं किस तरीके से करूं, मेरे भाई बहन क्या करें। मैं सबसे बड़ी विडम्बना है कि राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, उपराष्ट्रपति सब हैं, केवल 12 अंक यूपी से हैं। तो आज ये मांग करते हैं कि यूपी की जनता अगर को फिर से बरकरार रखना है तो ये शिक्षा मित्रों को पुनः सहायक अध्यापक पद पर सब वेतन बहाल किया जाए, अगर नहीं हो सकता है तो वो अपना इस्तीफा दे दें यूपी के, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगे प्रधानमंत्री जी कि मैं मुझको माफ़ कर दीजिए, हम लोगों को माफ़ करने के लिए तैयार। वर्मा जी, अभी मोदी जी ने जो विकलांग थे अभी आपने बताया उनको एक दिव्यांग की डिग्री दे दी, तो उससे आपको कितना लाभ हुआ है? हमको इस नाम से नहीं, जैसे मोदी जी कहते हैं कि खुशबू आती है, खुशबू कागज फूलों में नहीं आती है, खुशबू ओरिजिनल कागज पर नहीं, ओरिजिनल जो गुलाब फूल उसमें आती है। मुझको चाहे विकलांग कहा जाए या दिव्यांग कहा जाए या कोई पदवी दी जाए, जब तक तो मुझको जीने के लिए मेरा जो अधिकार मिला हुआ वो नहीं मिल पाता है तो मुझको इस नाम से कोई वाजिद नहीं है। अपने नाम वापस लीजिए और हमको केवल विकलांग नहीं, महाविकलांग अपाहिज कह दीजिए, हमको कोई श्रम नहीं, हमको रोजी रोटी, हमारा धर्म, हमारे भाई काफ़ी भी हैं जो चल नहीं पाते हैं, कुछ नहीं पाते हैं, हर चीज़ के लिए हमको हमारा सहायक अध्यापक सह वेतन बहाल करें, इसकी महान महान कृपा होगी। वर्मा जी ने बोला है कि हमें विकलांग नहीं, हमें और कुछ भी बोल दिया जाए हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें अपना मान सम्मान चाहिए, हमें अपनी रोजी रोटी चाहिए।